कांग्रेस पार्टी ने बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल को गुजरात से राज्यसभा का टिकट दिया है, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल के फिटनेस फंडा क्या है, आइए आज जानते हैं। सबसे पहले जैसे ही आंख खुलती है, मैं हमारे सुप्रीम पावर को, भगवान को याद करके उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक नया दिन मिला है। गायत्री मंत्र मेरी शुरुआत होती है, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम, ये हमको सिखाया गया था जब बच्चे थे। तुम्हारे गुरुजी ने कहा था कि गायत्री मंत्र भी सबके लिए समान नहीं होता है। किसी के लिए 3 बार ओम जा पाता है, किसी के लिए 1 है और किसी के लिए 2 है। उन्होंने मेरे लिए कहा था कि आपके लिए 2 है, तो माने ओम से शुरू होता है, गायत्री मंत्र खत्म भी ओम से होता है। उसके बाद मेरी, कहीं पर भी हूँ, मेरी बैग में भी एक चाय की छोटी कैटल रहती है। मैं चाय पीता हूँ, उस चाय में ना चीनी रहती है ना दूध रहता है। पानी उबाल लिया, नींबू निचोड़ दिया, हल्दी 1 चम्मच डाल दी, थोड़ी काली मिर्च 1 ग्लास पहले पी लिया। उसके बाद मैं पसंद करता हूँ जापानीज़ ग्रीन टी को, जिसका छोटा पाउडर होता है वो डाल दिया। अगर वो नहीं अवेलेबल है तो फिर जो भी हमारी असम टी है या दार्जिलिंग टी है, वो थोड़ी पत्ती डाल के वो पीता हूँ। उसके बाद मेरा लू का जैसे ही सेशन ख़त्म होता है, कहीं पर भी दुनिया में हूँ, मेरा 45 मिनट का टाइम मी टाइम है, मेरा टाइम है, वो शुरू होता है। और सबसे पहले इसमें ये जल नीति का बर्तन है, थोड़ा वार्म वाटर लिया, मैं नमक वमक नहीं डालता हूँ। इस नोज से इस नोज में निकला, इधर से निकले इधर से निकला। उसके बाद अगर घर पे हूँ, ट्रेडमिल पड़ा है सामने तो ट्रेडमिल कर लिया, वरना स्पॉट जॉगिंग होता है। उसके बाद कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करता हूँ, फिर मेरा योग का सेशन शुरू होता है। देखिए, मैं जो मानता हूँ वो मैं बोलता हूँ और मैं कहता हूँ। मैं जब योग सीखने लगा तो मेरे गुरु ने कहा था, और उसके बाद काफ़ी किताबों में भी मैंने पढ़ा, कि योग गुरु जब तक सामने बैठ के नहीं सिखाए, ऐसे टीवी में देख के सोशल मीडिया में देख के योग नहीं करना चाहिए। जब ये योग दिन वाली बात चल रही थी तो मैंने भी ये सोचा कि जब मैं जानता हूँ तो मेरी बात में रखूँ। मैं जानता था भक्त लोग तो ट्रोल करेंगे, गाली देंगे, तो उनकी मर्जी है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और कुछ तो आप जानते हो कि फेक अकाउंट्स भी भक्त लोगों के होते हैं और फेक अकाउंट से गालियाँ आती है, तो उससे चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं आज भी मानता हूँ कि जो आसन मैं करता हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, अमृत समान हो सकते हैं, वही आसन आपके लिए ठीक नहीं भी हो सकते हैं, वो जहर हो सकते हैं। पर वो कौन तय करेगा, मैं या आप एक्सपर्ट नहीं हैं। तो कोई एक गुरु जब आपको कहे कि ये करो, योग ऐसे ही मास में हजारों लोगों को बिठा दो। मैं एक बंदा जो योग करवाता है मास स्केल पे, उन्होंने भावनगर में एक रखा था सेशन, और हमारे वहाँ ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे वो भी उसमें गए थे, एजेड थे, 65 ईयर्स, उसका हाई बीपी रहता था। अब उससे कपाल भाती ये वो बहुत करवा दिया और सबके साथ साथ कर लिया, उसको दूसरे दिन ब्रेन स्ट्रोक आ गया, वहाँ से आते हुए ही ब्रेन स्ट्रोक आ गया। तो मैं मानता हूँ कि योग बिना गुरु के ऐसे ही हो जाता है तो कभी नुकसान करता है। तो मैंने मेरी बात रखी, कुछ परफेक्शन नहीं थे आसन में। तो मोदी जी जो कर रहे थे और कह रहे थे वक्रासन है, वो वक्रासन नहीं था। तो मैं जानता था, तो मैंने मेरा जो जान पहचान थी और जो योग के एक्सपर्ट एक यूनिवर्सिटी ने क्या वक्रासन होता है उसके पिक्चर्स, मेरा वक्रासन और मोदी जी जो कर रहे थे, वो तीनों साथ लग के लगाया। अब इसमें किसी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अगर आप
आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिना ब्रेक वीडियो देखने के लिए आप हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।